हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ बैंगन मसाला फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और इस बैंगन मसाला फ्राई को आप चावल, दाल, रोटी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो लंच बॉक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट कर लेते हैं बैंगन मसाला फ्राई बनाना। बैंगन फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बैंगन ले लिए हैं और अब इनके हम पीसेस कट करेंगे। तो मैं इस लंबे इस तरीके से काट रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसको सर्कल में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसे इस तरीके से काटूंगी। तो पहली वाली लेयर को हम हटा देंगे और इसके बाद हम काटेंगे इसे पतला पतला स्लाइस जैसा, बिल्कुल। तो इस तरीके का हम स्लाइस तैयार कर लेंगे। तो मैं एक और काट के दिखाती हूँ। इस तरीके से तो दोनों बैंगन हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं काट के। और इस तरीके से काटने के समय जब इस तरीके से डंठल आ जाए इसकी, तो इसे हम निकाल देंगे ऐसे। और ये लास्ट वाला पतला सा पीस बचा है तो इसे हम हटा देंगे। यहाँ पर मैंने सभी बैंगन के स्लाइसेस कट करके तैयार कर लिए हैं और सभी को अब डाल देंगे पानी में। और यहाँ पर एक बोल में मैंने पानी ले लिया है और सभी पीसेस को हम डाल देंगे इस तरीके से ताकि पानी में डूब जाएं। और इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम बैंगन को हम पानी से निकाल लेंगे। तो 10 मिनट के बाद ही निकालना है। जब तक बैंगन को मैंने पानी में रखा हुआ है तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो मसालों के लिए सबसे पहले मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 10 लहसुन की कलियाँ और तीन से चार हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और इसे हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। साथ में डालेंगे 4 चम्मच के करीब बेसन। तो बेसन भी हम जार में ही डालेंगे 4 चम्मच। बेसन डालने के बाद अब इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर। तो यहाँ पर मैं धनिया का पाउडर 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। 1.5 चम्मच मैंने धनिया का पाउडर डाल दिया है। अब डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, तो वो अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। हरी मिर्च भी डाली है हमने, तो मैं बहुत थोड़ा ही डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अब डाल लेंगे हल्दी का पाउडर, तो 1/2 चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, तो यहाँ पर हम नमक डाल लेते हैं। तो 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ मैं नमक यहाँ पर। और साथ में डालेंगे काली सरसों के का पाउडर। काली सरसों का पाउडर मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, तो 1/2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ मैं 1 नींबू का रस। और साथ में डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब पानी। और अगर पीसते समय हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा पानी और डालूंगी। और इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ये पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाला है। तो इस तरीके से हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और बैंगन को पानी में रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए पानी पूरा काला सा हो गया है। तो इस पानी को हम निकाल देंगे। इस तरीके से जब हम बैंगन बनाते हैं तो बैंगन और भी टेस्टी बनते हैं। तो जब भी बनाएं तो बैंगन को 10 मिनट के करीब पानी में ज़रूर छोड़ दें ताकि ये जो काला काला पानी निकला है ये निकल जाए। तो पानी से अलग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बैंगन को एक छलनी में रख दिया है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा निकल जाएगा। तो 5 मिनट के लिए हम बैंगन को इसी तरीके से छलनी में रखेंगे। यहाँ पर बैंगनों से हमारे पानी बहुत अच्छे से निकल चुका है। और ये पेस्ट भी मैंने एक बोल में निकाल लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। गैस पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा चढ़ा दिया है इसे बनाने के लिए। गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है मैंने और तवा गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब तेल। तो यहाँ पर मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ। और इसे अच्छे से फैला लेना है।
तेल को गर्म होने देंगे और ये जो बैंगन का हमने स्लाइस लिया है ये पेस्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से लगा दिया मैंने और इसको हम डाल देंगे तवे के ऊपर। दूसरा स्लाइस लेंगे और इसे भी। और इसको भी डाल देंगे ऐसे। तीसरा स्लाइस भी डाल दिया मैंने। तीनों स्लाइस को मैंने तवे पे डाल दिया है और ये जो बेसन का पेस्ट है अब इनके ऊपर भी हम लगाएंगे, फैला लेंगे जैसे हमने पहले लगाया था। इस तरीके से बैंगन को सिकने देना है और गैस के फ्लेम को लो से थोड़ा सा हाई करेंगे, मीडियम मीडियम नहीं करेंगे, मीडियम और लो के बीच में हमें गैस के फ्लेम को रखना है क्योंकि बैंगन अंदर से भी पकने चाहिए। और जब ये एक तरफ से अच्छे से पक जाएंगे तो इन्हें हम पलटकर पकाएंगे। और ये बैंगन हमारे एक तरफ से सिक चुके हैं तो अब इन्हें पलट लेंगे। तो एक चिमटे की हेल्प से इन्हें पलटेंगे इस तरीके से। यहाँ पर बैंगन हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही हम सभी बैंगन को फ्राई करेंगे। ये देखिए तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और बाकी बचे हुए बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करूंगी। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे बैंगन फ्राई बना के तैयार कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। तो इन्हें गार्निश कर लेते हैं धनिया के पत्ते से ताकि जब इन्हें सर्व करें तो देखने में भी अच्छे लगे। यहाँ पर मैंने बैंगन को गार्निश कर लिया है धनिया के पत्ते से और ये और भी बढ़िया दिख रहे हैं। तो इस तरीके से बैंगन फ्राई जरूर बनाइए। इसे आप रोटी, पराठे, चावल, दाल या फिर लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए कि ये बैंगन फ्राई की रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।